गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में ही बीए पार्ट थर्ड में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या था और प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का जो सिद्धांत दिया था उसमें किस प्रकार की जो शिक्षा है उसको बताया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत का निरूपण करते हुए इस बात को लिखा कि अज्ञान को शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। शिक्षा मनुष्य की मानसिक व्याधि का मानसिक उपचार है। शिक्षा से ही मनुष्य के अंतर्मन के अलौकिक चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। शिक्षा ज्ञान की ज्योति जलाती है, अंधकार से निकालकर उजाले की ओर या प्रकाश की ओर ले जाती है। प्लेटो ने तात्कालिक समय में यूनान के जितने भी राज्य थे उन राज्य के राजाओं के बारे में ये देखा कि इनमें अभी इतने ज़्यादा विवेक नहीं है, और विवेक राजाओं में कैसा आए जब राजा शिक्षा का अर्जन करे, और बगैर शिक्षा के अगर कोई राज्य में राजा के पद को सुशोभित करता है तो निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं उसमें अज्ञान होगा, और अज्ञान होगा तो ना तो उसमें विवेक होगा, ना उसमें उत्तम चरित्र होगा, ना उसमें अच्छे गुण होंगे, ना वो विद्वान होगा, ना वो ज्ञानी होगा, ना वो संयमी होगा। बहुत सारी जो कमियां हैं वो उस शासक में देखने को मिलेगी, और अगर किसी शासक में कमी है तो निश्चित सी बात है कि वो राज्य में शासन करते समय किसी भी प्रकार की गलती या त्रुटि कर सकता है। और प्लेटो के सामने ऐसी एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। बार बार वो बात अपने पास में आती है, और मैंने आपको ये शुरुआत में कहा भी था कि प्लेटो के जो सारे सिद्धांत धारणा है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी है। प्लेटो के गुरु सुकरात की विष देकर हत्या कर दी थी, और प्लेटो के मन मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था कि आखिरकार इतने ज्ञानी मनीषी रत्न के साथ में इस प्रकार की घटना हो जाए तो क्या हो सकता है। इसका मतलब है कि जो राजा है उसमें अज्ञान है, और फिर उन्होंने ये देखा कि ये जो अज्ञान है ये ज्ञान से ही दूर जा सकता है, और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान मनुष्य में शिक्षा के माध्यम से ही आएगा। इस वजह से उन्होंने एक शिक्षा की परिकल्पना को रिपब्लिक में साकार किया, और जब प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत को रिपब्लिक में लिखा तो ऐसा कहते हैं कि उनका जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है और शिक्षा के बारे में जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, आगे आने वाले विचारकों में 200 ऐसे विचार थे जिन्होंने ये कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसी कृति अब से पहले किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं लिखी गई। यानी कि प्लेटो ने खुलकर अंतर मन तक डाकर और उन बातों को पाठ्यक्रम में निहित किया जिससे व्यक्ति पूरी तरीके से ज्ञानवान और विवेकशील बन सकता है। उनका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में उन्होंने किसी भी विषय को नहीं छोड़ा, और उस पाठ्यक्रम में जिन विषयों को लिया है उन विषयों को अगर कोई व्यक्ति अध्ययन कर ले और वो शासक के पद पर विराजमान हो तो निश्चित सी बात है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती, और फिर वो अपने जीवन में
शासक के पद पर बैठकर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती नहीं कर सकता और वहां गलती की जो संभावना है वो पूरी तरीके से नगण्य होती हुई दिखाई देती है। इसलिए प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत है उसको रिपब्लिक में दिया। उस शिक्षा से शासक में न्याय की भावना आएगी, उस शिक्षा से एक साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो फलीभूत होगा, उस शिक्षा से एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी और उस शिक्षा से एक दार्शनिक शास्त्र का निर्माण होगा। यहाँ हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का जब अध्ययन करेंगे तो पहले ये जानेंगे कि उस समय एथेंस में किस प्रकार की शिक्षा का प्रचलन था और प्लेटो ने फिर उस प्रकार की शिक्षा है उनको जोड़ते हुए ही आगे जो अपना शिक्षा का सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया और अपने शिक्षा सिद्धांत है उसके पाठ्यक्रम को उन्होंने बनाया। यहाँ हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है ए में, प्लेटो से पूर्व। एथेंस में शिक्षा व्यवस्था, और बी आता है इसमें प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। अपन यहां पहले जो प्लेटो से पूर्व एथेंस में शिक्षा व्यवस्था है उसको देखेंगे। यहां जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको तीन भागों में बांट रखा था, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तीसरा आता है इसमें उच्च शिक्षा। और ये जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था है ये सारी निजी थी, अतः ये भी कहा गया कि एथेंस में शिक्षा प्रदान करना एक समाज के उच्च परिवार हैं वो ही बालकों को शिक्षा प्रदान करवा देते थे क्योंकि महंगी शिक्षा व्यवस्था थी और शिक्षा निजी हाथों में थी। दूसरी जो शिक्षा आती है इसमें वो आती है स्पार्टा की शिक्षा। ये जो स्पार्टा की शिक्षा है ये पूरी सैनिक शिक्षा थी और ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये राज्य का विषय था, अतः राज्य अनिवार्य रूप से जो बालक है उनको शिक्षा प्रदान करके और उनका जो अंतिम उद्देश्य था वो है लड़ाकू सैनिकों का निर्माण करना, क्योंकि स्पार्टा है वो युद्ध के प्रति प्रयत्नशील था और हमेशा वो ये मानता था कि हमें युद्धरत रहना है और युद्ध के लिए हमें सैनिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। तो दो प्रकार की जो शिक्षा है उसका प्रचलन एथेंस और स्पार्टा में था। एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था है वो निजी हाथों में थी, महंगी थी और इसी वजह से जो उच्चतम परिवार है उनके बालक की शिक्षा का अध्ययन कर पाते थे, यानी कि बहुत कम जो बच्चे युवा हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। और स्पार्टा है उसकी शिक्षा सैनिक थी और ये राज्य का विषय था, राज्य है वो सभी को शिक्षा प्रदान करता था और उसका उद्देश्य था सैनिक या लड़ाकू सैनिकों का अच्छा निर्माण करना। यहाँ जो प्लेटो है उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई उसे राज्य का विषय बनाते हुए, वो निजी हाथों में नहीं अपितु राज्य का विषय बनाते हुए और ये कर दिया कि शिक्षा है वो राज्य के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन प्लेटो ने
स्पार्टा से राज्य रूपी शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करते हुए भी केवल सैनिक शिक्षा तक उसको सीमित नहीं रखा। अभी तो यहाँ पे जो एथेंस में शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी और स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी, ये दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं को उन्होंने जोड़कर और एक नई शिक्षा व्यवस्था है उसका निर्माण उन्होंने कर दिया। तो यहाँ जो प्लेटो की शिक्षा को देखते हैं तो प्लेटो की शिक्षा को दो भागों में उन्होंने बांट दिया, एक तो प्रारंभिक शिक्षा ये जो प्रारंभिक शिक्षा है इसे उन्होंने आयु के हिसाब से बनाया। इसका पहला जो स्टेज है वो 0 से 7 वर्ष का बनाया, इसका दूसरा वाला जो स्टेज है वो 7 से 18 वर्ष तक का बनाया और इसका जो तीसरा वाला स्टेज है वो 19 से लेकर 20 वर्ष तक का बना दिया। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा होगी वो 0 से लेकर 20 वर्ष तक की होगी और दूसरा जो उन्होंने जो शिक्षा पाठ्यक्रम बनाया वो बनाया था उच्च शिक्षा। यानी कि शिक्षा को उन्होंने दो भागों में बांट दिया था, एक तो प्रारंभिक शिक्षा में दूसरा उच्च शिक्षा में। ये जो प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा उसी प्रकार से उच्च शिक्षा को भी उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। एक फर्स्ट वाला जो भाग बनाया वो तो था 21 से लेकर 30 वर्ष तक, सेकेंड वाला जो भाग बनाया वो बनाया उन्होंने 31 से लेकर 35 वर्ष तक और थर्ड वाला जो उन्होंने भाग बनाया था इसमें वो बनाया था उन्होंने 36 से लेकर 50 तक। ठीक है, अब ये जो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है इन दोनों को हम अगर उस दूसरे रूप में बांटे तो ये शिक्षा में दो प्रकार की बात आती है, एक तो इसमें आती है सैद्धांतिक शिक्षा और एक इसमें आती है व्यावहारिक शिक्षा। ये जो सैद्धांतिक शिक्षा है इसको अगर हम देखें तो ये 7 वर्ष से लेकर और 33 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो सैद्धांतिक शिक्षा है और व्यावहारिक शिक्षा को हम देखते हैं तो 0 से लेकर 7 वर्ष तक की शिक्षा आती है और 36 से लेकर 50 वर्ष तक की जो शिक्षा आती है वो व्यावहारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से यह सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा है इसे उन्होंने दो भागों में बांट कर देख लिया। यहाँ पे प्लेटो ये कहते हैं कि 0 से 7 वर्ष तक यानी कि संतान उत्पत्ति जैसी होगी, मैं आपको साम्यवादी सिद्धांत के तहत पढ़ा चुका हूँ कि जैसे ही शासक स्त्री और शासक पुरुषों के संतान उत्पत्ति होगी तो उस बच्चे को राज्य को सौंप दिया जाएगा, वो माता पिता की संपत्ति नहीं होगी वो राज्य की संपत्ति होगी। और जैसे ही 0 वर्ष में राज्य को सौंप दिया जाएगा तो 0 से ही राज्य के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी और यहाँ सबसे पहले उनको अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ जो 7 से 18 वर्ष तक की शिक्षा है इसमें इन्होंने संगीत और व्यायाम की जो शिक्षा है उसको शामिल किया है और 19 से 20 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसमें उन्होंने सैनिक शिक्षा को शामिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेज बन जाएगा 0 से लेकर 20 वर्ष तक की शिक्षा का और यहाँ ये मानना था प्लेटो का कि ये जो शिक्षा होगी ये शिक्षा ऐसी होगी जिसमें जो युवा है उसका मानसिक विकास भी किया जाएगा शारीरिक विकास भी किया जाएगा और इसी वजह से उनका जो शारीरिक विकास है वो ऐसा हो जाएगा कि वो अस्पष्ट होंगे। इस वजह से प्लेटो ने ये भी कहा है कि प्लेटो के राज्य में चिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन है वो इसी प्रकार की होगी कि कोई बीमार ही नहीं होगा क्योंकि उसमें शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरीके से होगा और उसमें जो मानसिक शिक्षा है वो भी उसको पूरी तरीके से दी जाएगी। यहाँ पे अक्षर ज्ञान के बाद में ये जो संगीत और व्यायाम की शिक्षा है इसके बारे में प्लेटो का ये कहना था कि जो संगीत होता है वो मानव आत्मा को झंकृत कर देता है और जो मानव आत्मा है उसमें पूर्ण रूपेण एक जो जब साफ होती है वो मानव आत्मा तो उसमें नैतिकता और मानवता का वास पूरी तरीके से आ जाता है और वहाँ जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी जो असत्य है उसका अन्वेषण नहीं करता और जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से साफ होकर और उस सत्यता की ओर आ जाती है।
पर यहाँ संगीत के बारे में उन्होंने ये भी कह दिया कि संगीत ऐसा हो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फूडपन न हो और देवी देवताओं के प्रति किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो। यानी कि यहाँ पे हम ये कहें कि संगीत के जो संगीत की शिक्षा उसमें कला और साहित्य है उसको पूरी तरीके से समाहित किया गया है। यानी कि एक गायन और वादन है वो ऐसा होना चाहिए जो समाज और युवाओं को कुछ प्रेरणा ही प्रदान कर सके और जो आत्मा है उसका विकास कर सके। तो दूसरा यहाँ जो व्यायाम शिक्षा है, ये व्यायाम की शिक्षा के बारे में प्लेटो का ये कहना है कि व्यायाम से जो युवा है उसका शरीर हस्तपुष्ट होता है और जब उसका शरीर हस्तपुष्ट होता है सौष्ठव बनता है तो निश्चित रूप से वो शारीरिक रूप से जैसे पुष्ट होगा तो मानसिक रूप से भी पुष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो युवा है उसमें अंतःक्रिया है और बाहरी क्रिया वो दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से कार्य करने लगेंगे। यहाँ जैसे ही 18 वर्ष की आयु तक ये संगीत और व्यायाम की शिक्षा को प्राप्त करेगा तो उसके बाद में 2 वर्ष तक उसे सैनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। सैनिक शिक्षा में वो कहते हैं कि चाहे लड़की है चाहे लड़का है उनको अगर विवेक का उसमें आत्मा में विवेक का गुण मौजूद है तो उनको दोनों को समान शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर यहाँ पर ये कह दिया कि वो व्यायामशालाओं में रहेंगे, सार्वजनिक घरों में रहेंगे और वहां पर रहकर वो समान रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पाइथागोरस की जो जीवनी है उसमें ये भी स्पष्ट रूप से हुआ है कि वहां जो तात्कालिक यूनान है उसमें जो लड़के और लड़कियां हैं वो समान रूप से भाला फेंकना, कुश्ती लड़ना, दौड़ना आदि की जो शिक्षा है वो उनमें होती थी और फिर उस प्रकार से आगे चलकर वो जो सैनिक है वो बनते थे। तो ये जो यहाँ तक की जो शिक्षा है ये 20 वर्ष तक की, इसके बाद में प्लेटो ये कहते हैं कि एक राज्य के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो उच्च शिक्षा में आएंगे और अगर इस प्रतियोगिता में जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो फिर वो सैनिक तक ही सीमित रहेंगे, उनको आगे की शिक्षा नहीं मिलेगी। जो प्रतियोगी पास हो जाएंगे उनके फिर यहाँ से उच्च शिक्षा है वो शुरू होती है। इस उच्च शिक्षा में यहाँ पर 21 से लेकर 30 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसमें गणित, दर्शन, शिक्षा को शामिल किया गया है। तो ये जो गणित की शिक्षा है ये हम यह कहें कि ये मौखिक गणित है उसे इसमें सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये प्लेटो का मानना था कि गणित है जो व्यक्ति के मस्तिष्क के ताले हैं उनको खोल देती है और उसमें तर्क शक्ति उसका वास होता है। और जो दर्शन की शिक्षा है इससे व्यक्ति है उसमें बुद्धि का विकास होता है। यहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करते हुए फिर एक कॉम्पिटिशन होगा, प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में जो पास हो जाएगा वो 31 से 35 वर्ष तक की शिक्षा को प्राप्त करेगा। ये 31 से 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसमें उन्होंने तर्कशास्त्र, द्वंद्ववाद और दर्शन शास्त्र की शिक्षा को शामिल किया है। यानी कि पाठ्यक्रम में ये होगा, इस शिक्षा को प्राप्त करते ही उस व्यक्ति में अत्यधिक विवेक का वास हो जाएगा और ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर 35 वर्ष तक की आयु प्राप्त करेगा, फिर एक प्रतियोगिता होगी, कॉम्पिटिशन होगा। इस प्रतियोगिता में जो सफल हो जाएगा उसे फिर राज्य की व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी 15 वर्ष तक। यानी कि 36 से लेकर 50 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी ये व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होगी। इसमें शासन कला और राजनीति का ज्ञान है वो व्यावहारिक रूप से उसको प्रदान किया जाएगा। और जब वो 50 वर्ष तक इस व्यावहारिक शिक्षा को प्राप्त कर लेगा तब प्लेटो कहते हैं कि वो शासक बनने के योग्य है और उसे किसी राज्य का शासक बना दिया जाना चाहिए। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो इस प्रकार की शिक्षा है इसको लेकर व्यक्ति में पूर्ण विवेक जागृत हो जाता है, उसकी आत्मा है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाती है, उसमें नैतिकता और मानवता का विकास हो जाता है, उसमें सत्यता का विकास हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति शासक के पद पर बैठेगा वो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा,
किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की वो त्रुटि नहीं करेगा, और वो सभी को अपना भाई बंधु समझेगा, सभी को अपना माता पिता समझेगा, और इस प्रकार से उसमें कहीं पर भी कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं होगा। एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में वो व्यक्ति जब शासन कार्य को संभालेगा तो निश्चित रूप से वो उत्तम शासक ही होगा, वो आदर्श शासक ही होगा। और ये कैसे आ पाएगा? ये शिक्षा के माध्यम से ही आ पाएगा, क्योंकि शिक्षा है वो व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से निर्माण कर देगी। तो इस रूप में हम ये देखते हैं कि शिक्षा से एक न्याय की भावना भी आएगी, शिक्षा से एक साम्यवाद की भावना भी आएगी, शिक्षा से एक आदर्श राज्य का निर्माण भी होगा, शिक्षा से एक दार्शनिक शासक का निर्माण भी होगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो शिक्षा से ही प्राप्त होगी, और फिर उसमें इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होगी जैसी घटना उसके गुरु के बारे में हो चुकी थी। किसी साधक में ऐसी कोई कमी नहीं होगी जो कमी प्लेटो के समय में राजाओं में या शासकों में पूर्ण रूपेण देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी शिक्षा है उसकी कल्पना को साकार किया, और यहाँ व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हुए शासक के पद पर बैठेगा, और फिर भी इस बात को कह दिया कि 50 वर्ष के बाद में भी वो शिक्षा है उसको ग्रहण करता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया इसकी विशेषता में कि शिक्षा जीवन पर्यंत तक है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति या शासक है कुछ ना कुछ नवीन सीखता ही रहेगा, और फिर उससे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता रहेगा, और उसमें विवेक पूर्ण रूप से जागृत होता ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो प्लेटो है उसने अपनी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाया था, तात्कालिक एथेंस में तीन प्रकार स्टेज थी शिक्षा की, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा। ये निजी विषय थी शिक्षा, और स्पार्क है उसमें सैनिक शिक्षा थी, राज्य का विषय थी। उन्होंने ये जो एथेंस में तीन स्टेज थी और स्पार्टा में एक स्टेज थी, इसको मिलाकर उन्होंने दो स्टेज है उनमें परिवर्तित कर दिया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आयु के आधार पर उनके तीन तीन भाग हैं उन्होंने बना दिए थे, और फिर उसमें जो पाठ्यक्रम है उनको सम्मिलित कर दिया था, और हम ये कहें कि इस पाठ्यक्रम में ऐसी किसी भी बात को उन्होंने नहीं छोड़ा, या ऐसी किसी भी विषय को उन्होंने नहीं छोड़ा जो विषय व्यक्ति को अधूरा छोड़ देगी, अतिथि पूर्ण विकास करने वाली उनकी शिक्षा थी। और इस प्रकार की जो शिक्षा है उसको प्रदान करके ही प्लेटो कहता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में ही राज्य की सत्ता सौंपी जानी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के हाथों में ही राज्य का नेतृत्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ही शासक के पद को सुशोभित करना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति शासक के पद पर बैठेगा तो निश्चित रूप से वो दार्शनिक शासक होगा, वो राजाओं का दार्शनिक होगा और दार्शनिकों का राजा होगा, और ऐसी उस स्थिति में उसमें जो प्रजा निवास करेगी उस प्रजा को अपने परिवार का सदस्य समझेगा, सभी के साथ में वो न्याय प्रदान करेगा, और जब इस प्रकार का राज्य होगा तो निश्चित रूप से वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, वो होगा आदर्श राज्य, वो होगा दार्शनिक शासक, और ये सारा का सारा प्राप्त होगा शिक्षा के माध्यम से ही, क्योंकि शिक्षा सारी बुराइयों का अंत कर देती है और सारी अच्छाइयां हैं उनका व्यक्ति में वास कर देती है, और ये पूर्ण रूप से व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास कर देती है। निरंतर हम आगे अध्ययन करते रहेंगे, आप ऑनलाइन जुड़े रहिएगा प्लेटो के बारे में, फिर आगे भी जो विचारक है उनके बारे में। धन्यवाद।